Audio Jungle. पूर्णिया के मरंगा थाना अंतर्गत हरदा के वार्ड नंबर 5 निवासी मोहम्मद काफिल अंसारी को बीते 13 अप्रैल को घर से हरदा जाने के क्रम में बोलेरो पिकअप वैन के द्वारा ठोकर मार दी गई थी। गाड़ी के ठोकर से घायल मोहम्मद काफिल अंसारी को पूर्णिया के मैक्स 7 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मैक्स 7 हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें तत्काल पटना रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ परिजनों और स्थानीय लोगों के द्वारा गाड़ी चालक और गाड़ी को पकड़कर थाना के हवाले कर दिया गया। इस संदर्भ में गाड़ी चालक और मालिक के खिलाफ थाना में FIR भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान 20 अप्रैल को पटना में घायल मोहम्मद काफिल की मौत हो गई। साथ ही जब परिजनों को यह पता चला कि पिकअप वैन के ड्राइवर को थाना के द्वारा छोड़ दिया गया है, तो परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों की संख्या में परिजन मरंगा थाना पहुंचे और सब को रखकर प्रदर्शन करने लगे। मीडिया से बात करते हुए परिजनों ने बताया कि पिकअप वैन के चालक को और पिकअप वैन को थाना में सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद थाना के कुछ लोग एवं नामजद अभियुक्त के परिजनों द्वारा घायल मोहम्मद काफिल अंसारी के घर पर जाकर डराया धमकाया जा रहा था और यह भी कहा जा रहा था कि तुम लोग FIR हटा लो वरना जान से मार देंगे। मृतक के परिजन लगातार थाना में खड़े होकर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। फिलहाल प्रशासन के द्वारा मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, छोड़ दिया गया, जो कि मतलब ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं, उसका बेल दे दिया थाना से ही। आपको कब पता चला कि ड्राइवर को पैसा लेकर छोड़ दिया? कल पता चला हमको, कल परसों पता चला कि ड्राइवर को थाना से ही बेल दे दिया गया। हम लोग का कहना था कि इनकी मौत कल हुई है, कल जी। हम लोग यही बात करने के लिए आए कि ड्राइवर का क्या हुआ। परवाड़ी का कहना हुआ ड्राइवर को थाना से ही बेल दे दिया गया। हम बोले बिना लाइसेंसी ड्राइवर को थाना से बेल काहे दे दिए, आपको जेल कर देना चाहिए ना, तो जेल भी नहीं किया। आगे हमरा आपको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे ये अंकल जी लगते हैं, ये तरावी नमाज पढ़ कर करके घर आ रहे थे, इसी के साइड में एक बेलोरो पिकअप मारा इसको, पीछे से मारा इसको, अपने साइड में इसको मारा और ड्राइवर पिकअप फूल था एकदम सर। उसके बाद इसको जो है कि 20 फीट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, उसको फिर हम लोग गोदी उदी उठा करके टेम्पू से लेकर के हम लोग गए होप हॉस्पिटल ले गए सर। होप से ले जाने के बाद मैक्स 7 ले गए, मैक्स 7 में 3 दिन इलाज कराए, उसके बाद थाना आए, थाना चंदा कलेक्शन करने के लिए थाना में बोले सर ऐसे ऐसे बात है, हम गाड़ी भी रखे हैं, ड्राइवर को भी रखे हैं, घर से हम घर में सिर्फ हमारी माँ बहन लोग थी। थाना वाला इस बीच में गया गाड़ी वाला के पास, वहाँ पर ही गाड़ी वाला थाना गाड़ी मालिक से मिल लिया। मिलने के बाद हम लोग के परिवार सबको कहता है, लेडीज सबको नहीं छोड़ा गाड़ी, तोरा आसनी पर केस भाग जाता हूँ, घर से तोरा आसनी उठा उठा करके तुम लोग को ले जाएंगे, नहीं तो गाड़ी ड्राइवर तो प्रशासन वहाँ लेडीज सबको खूब डराया धमकाया, डरा धमका कर उसको लेके चले आया। बुधवार को घर के जस्ट बगल में हरदा हरदा बाजार सतकदरिया वाली रोड में। हाँ कोई गाड़ी थाना पर थाना गए गया थे, छोटा बाबू थे और प्रमोद।